हरे कृष्ण। इस वीडियो में हम लोग करवा चौथ के बारे में जानेंगे। वीडियो तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा, कई माताएं बहनें पहले से ही ये व्रत करती आई होंगी, कई लोग नए होंगे जो पहली बार ये वीडियो देखेंगे। तो देखिए, जो लोग माताएं पहले से करती आई हुई हैं करवा चौथ, वे लोग भी इस वीडियो को देखिएगा, और जो लोग नई हैं वे लोग भी इस वीडियो को देखिएगा। क्यों? क्योंकि मैं शास्त्र प्रमाण लेकर आया हूँ कि करवा चौथ का पूजन होता कैसे है। ये देखिए, मेरे पास अभी 10 करवे रखे हुए हैं, गिन लीजिए आप। इन 10 करवों के ऊपर मैंने दीपक रखा हुआ है, ये पूर्ण पात्र से कहा जाता है। पूर्ण पात्र यानी ऊपर करवा होगा, उसके ऊपर ढक्कन, उसके अंदर मैंने अनाज रखा है और उसके ऊपर दीपक रखा हुआ है। ये टोटल 10 है, ठीक है। इनके लिए भी मैंने आसन लगा रखा हुआ है। कभी भी करवे ऐसे भूमि पर नहीं रखना चाहिए, आसन देना चाहिए। यहाँ माता के श्रृंगार की सामग्री है, ये हम लोग माँ को अर्पण करेंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर आप लोग रख लीजिएगा, मैंने सिर्फ डेमो के लिए रखा है। इसके अंदर आप लोग साड़ी रख लीजिएगा, और जो भी आप लोग ये सामान खरीदेंगे ना, तो ऐसा खरीदिएगा कि उपयोग में आए। यह आपको अपने ससुराल पक्ष में ही देना होता है। जो भी माताएं बहनें ये व्रत करती हैं उनको ससुराल पक्ष में देना होता है, लेकिन सधवा स्त्री को ही देना रहता है। जिनके पति नहीं हो तो उनको ये भेंट नहीं देनी चाहिए, ये जो करवा चौथ में सामग्री चढ़ती है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर हमारे पास करवा माता का श्रीचित्र है और यहाँ पर शिव जी का श्रीचित्र है। शिव जी के साथ माता पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं, और उसके बाद यहाँ पर देखिए कार्तिक स्वामी भी हैं। तो ऐसा फोटो मैं लेकर आया हूँ मार्केट से। मैं बताता हूँ क्यों लेकर आया हूँ। शायद आप लोग ये पूजन पहली बार देखें और शायद आपको लगे कि आज का ये लड़का हमें करवा चौथ के बारे में बताने आया है, तो मेरे पर विश्वास मत करिएगा। जो मैं आपको शास्त्र का रेफरेंस दूंगा, वो शास्त्र के पन्ने पलटकर आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए, सफ़ेद बालू मैंने रखा हुआ है। मैं बताता हूँ क्यों रखना है। अब देखिए, यहाँ पर 2 करवे हैं, एक करवा आपका होगा और दूसरा करवा माता पार्वती जी का होगा। इसके अंदर मैंने सामग्री भर रखी है। अभी तो देखिए ड्राई फ्रूट्स हैं यहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ पर जो भी आप भरना चाहें, अनाज भरना चाहें अनाज भरिए। लेकिन मैं कहूँगा कि दोनों करवों में आपको जो घर में आप बनाएंगे ना, उपवास के बाद मीठा भोजन बनाया जाता है। मीठा भोजन में जो भी आप बनाएंगे, पूड़ी पकवान जो भी बनता है आपके घर में, बनाइएगा और इसके अंदर वही भरिएगा जो आपके घर में आप बनाएंगे। व्रत खोलने के बाद जो आपको खाना है, ये दोनों करवों में आप लोग वही भरिएगा। कई माताएं जो रिवाज चलता है, एक के अंदर जल भरती हैं और एक के अंदर प्रसादी भरती हैं जो घर में बना होता है। फिर यही जल चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं बताऊंगा कि अर्घ देने के लिए यहाँ पर मैंने देखिए जल से मैंने पात्र भर दिया है। आपको इसका कलर भी अलग दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर पानी डाल के रखा हुआ है। इसके ऊपर भी पूर्ण पात्र है और इसके ऊपर मैंने एक सुपारी रखा हुआ है, क्योंकि ऐसे ही पूर्ण पात्र नहीं रखना चाहिए, कुछ ना कुछ आप रख दीजिएगा। आपके पास मिठाई हो तो आप मिठाई भी रख सकते हैं। मेरे पास मिठाई इतनी ही थी तो मैंने दोनों करवों पर रख दिया है। 4 की संख्या में आपको मिठाई रखनी है, 4 यहाँ पर रखी हुई, 4 यहाँ पे। अब देखिए शास्त्र की बात हम लोग करते हैं। अच्छा, ये दीपक रह गया है, तो ये दीपक भी हमने रखा हुआ है। दीपक को आसन दिया है, ये घी का दिया है, और इसके बगल में ही अभी हम लोग पूजन जब शुरू करेंगे ना, तो पूजन शुरू करने के बाद यहाँ पर हम लोग धूप दीप भी जलाएंगे, तो अभी पूजन के सेक्शन में आएगा। लेकिन उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं। आज तक तो आप लोग 2 ही करवे लेकर पूजन करते हैं, कहीं कहीं पर 3 करवे रखे जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये मैंने 10 करवे क्यों रखे हैं? और इन करवों के अंदर आप अनाज भरिएगा। अनाज भर सकते हैं, इसके अंदर चिवड़ा भर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भर सकते हैं, और इसके अंदर आप पकवान भी भर सकते हैं जो आपके घर में बना है। लेकिन इतना पकवान कैसे बनाएंगे, इसलिए आप लोग इसके अंदर अनाज भरिएगा, ठीक है। इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए, 10 करवे मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि ये नारद पुराण में वर्णन है। नारद पुराण आप लोग खोलिएगा, उसके अंदर चतुर्थ पाद है। चतुर्थ पाद के अंदर चतुर्थी की महिमा है, पूरे वर्ष भर की। उस चतुर्थी के अंदर जो ये कार्तिक मास के चतुर्थी आती है, इसको कर्क चतुर्थी कहते हैं। जी हाँ, और कर्क चतुर्थी नाम इसे शास्त्रों ने दिया।
और बाकी हमारे जन साधारण में इसी को करवा चौथ कहा। इतना समझ गए होंगे आप लोग, नारद पुराण में 10 कर्मों का वर्णन है कि 10 करवे आप लोग रखिए और इन कर्वों में खाद्य सामग्री भरिए, अनाज भरिए और ये पूजन के बाद समस्त ब्राह्मण को आपको दान करना है। अब देखिए, 3 करवे भी मैंने ऊपर रखे हैं और ये बालू भी रखा हुआ है मैंने, और ये शिव परिवार आपने और ये शिव परिवार भी मैंने रखा हुआ है। तो इसका वर्णन वामन पुराण में आता है। जी हाँ, वामन पुराण में खोलेंगे तो वहाँ पर भी कर्क चतुर्थी की महिमा बताई गई है। उसके अंदर लिखा गया है कि 13 करवे रखने चाहिए। तो देखिए, नारद पुराण के अनुसार 10 करवे तो हमने रख दिए, लेकिन वामन पुराण में 13 कर्मों का वर्णन है। तो एक हमने जल का पात्र रखा है करवे का, और यहाँ पर 2 हमने एक माता पार्वती जी के लिए, एक स्वयं के लिए करवा रखा है। तो टोटल 13 हो गया। ये सिद्ध हुआ वामन पुराण की बात। अब हमने बालू क्यों रखा हुआ है? वामन पुराण में वर्णन है कि जब हम लोग कर्क चतुर्थी का पूजन करें, यानी हम लोग जब करवा चौथ का पूजन करें, तो सबसे पहले आपको सफ़ेद बालू बिछाना है आगे। लेकिन देखिए, हम लोग शहर में रहते हैं ना, तो इसलिए मैंने आपके सहूलियत के लिए प्लेट में इसे रख दिया है। अब मान लीजिए आपको बालू नहीं मिले, नहीं भी मिलेगा क्योंकि शहरों में नहीं भी मिलता है, तो कोई बात नहीं, आप बालू मत रखिएगा, लेकिन जो शास्त्र में लिखा है वो बताना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये बालू रखा हुआ है, वामन पुराण में आता है कि इस सफ़ेद बालू के ऊपर पीपल का वृक्ष बनाएं, मैं अभी बनाकर दिखाऊंगा, और इस बालू के पास शिवा यानी माता पार्वती जी और कार्तिक स्वामी को स्थापित करें और उनका पूजन करें। तो देखिए, कार्तिक स्वामी को हमने इस फोटो में रखा हुआ है, इसीलिए मैं मार्केट से ये वाला फोटो लेकर आया हूँ। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि चतुर्थी तिथि गणेश जी को समर्पित है, ये आप लोग जानते ही होंगे। संकष्टी चतुर्थी, विनायक चतुर्थी महीने में 2 बार आती है, तो इसलिए इस चतुर्थी पर गणेश जी का पूजन करना चाहिए विशेष रूप से। अब ये देखिए, करवा कौन है? करवा पार्वती जी ही हैं। ये चतुर्थी तिथि को नाम दिया गया है करवा माता, बाकी विशेष रूप से इस दिन गणेश जी की ही पूजा होती है, हमारे शास्त्र बताते हैं। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो भी मैंने सेटअप लगाया हुआ है, ये शास्त्र के अनुसार ही लगाया हुआ है। शास्त्र अभी नहीं लिखे गए हैं, शास्त्र पहले लिखे गए हैं, लेकिन जो आपको प्रचलन मिल रहा है ना, जो लोग आपको बता रहे हैं आजकल, वो अभी बता रहे हैं। शास्त्र इनसे प्राचीन है, शास्त्र पहले है। जो शास्त्र में है वैसे आप लोग करिएगा, पूर्ण लाभ आपको मिलेगा, समझ गए ना आप लोग। और ये मिट्टी के करवे मिल जाते हैं बड़े आसानी से। अब हम लोग पूजन की शुरुआत करेंगे। तो पूजन की शुरुआत में वामन पुराण के अनुसार सबसे पहले आपको बालू के ऊपर पीपल का वृक्ष अंकित करना है। पीपल का वृक्ष अंकित किससे करें? या तो उंगली से कर लें। उंगली कौन सी लगाएं आप? पहली उंगली नहीं लेना है, ये देखिए, ये वाली उंगली नहीं लेना है आपको, या तो तीसरी उंगली से बनाना है पीपल, अथवा तो बीच की उंगली से बनाना है, समझ गए आप लोग, ये वाली उंगली का उपयोग नहीं करना है। अथवा तो आम का पत्र हो तो आप आम के पत्ते से भी उसके ऊपर पीपल का वृक्ष अंकित करें, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। लेकिन उसके पहले हम लोग पहले दीपक जला लेते हैं, धूप जला कर रख लेते हैं, फिर आगे का कार्यक्रम करेंगे। ये देखिए, हमने धूप दीप जला लिया है यहाँ पर। अब मैं सबसे पहले इस सफ़ेद बालू के ऊपर, ये देखिए आम का पत्ता है मेरे पास, मैं इससे पीपल का वृक्ष अंकित करूँगा। सबसे पहले हम इसका तना बनाएं, फिर इसकी जड़ बनाएं, उसके बाद इसकी शाखाएं बनाएं और छोटे छोटे पत्ते। भले अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप इसके ऊपर वृक्षनुमा बना लेना, जैसे भी आपको उचित लगे। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि ये मेरे मनगढ़ंत बात नहीं है, आपको बिल्कुल भी शंका हो तो आप लोग वामन पुराण खोलिएगा और उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि जो मैं विधि बता रहा हूँ सही है या गलत। ये देखिए, हमने पीपल का वृक्ष इसके ऊपर अंकित कर लिया। अब हमारा वामन पुराण के अनुसार शास्त्र कहते हैं कि आपको शिव परिवार का पूजन करना है। तो शिव परिवार में सबसे पहले
हम गणेश जी का ही पूजन करेंगे। यदि आपको मंत्र आता हो तो गणेश जी का आप पूजन मंत्र से भी कर सकते हैं। अब हमने मैं एक चीज़ यहाँ पर रखना भूल गया, जो हम लोग तस्वीर रखेंगे ना, फोटो रखेंगे, उसके नीचे भी आप लोग अक्षत रख देना। और यहाँ पर यदि आपके पास चुनरी हो तो माता को चुनरी चढ़ा देना। तो गणेश जी का पूजन हम लोग पहले पंचोपचार से करेंगे। सभी का पूजन हम लोग पंचोपचार से करेंगे। पंचोपचार में सबसे पहले क्या होता है कि हम भगवान को तिलक करते हैं। तिलक किससे किया जाता है? भगवान को चंदन से तिलक किया जाता है। तो यहाँ पर मैं भगवान गणेश जी को चंदन से तिलक कर रहा हूँ, चंदन से तिलक करूँगा। मंत्र आता है तो आप लोग मंत्र पढ़ देना, अथवा तो ओम गम 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 गणपतये नमः, ओम गम 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 गणपतये नमः। पंचोपचार पूजन में आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको तिलक करना है, फिर भगवान के चरणों पर कुमकुम और हल्दी समर्पित करते हैं। तो देखिए, कुमकुम मैंने लगा दिया है ये पुष्प के ऊपर, और मैं भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ। फिर उसके बाद हल्दी समर्पित करता हूँ भगवान के ही चरणों में। अब देखिए, पंचोपचार पूजन में सर्वप्रथम हमने तिलक किया, फिर दूसरा उपचार होता है कि हम भगवान को पुष्प अर्पित करें। तो यदि आपको मंत्र आता हो पुष्पांजलि अर्पित करने का, तो बहुत अच्छा, आप लोग मंत्र पढ़ लीजिएगा। नहीं तो गणेश जी का पूजन कर रहे हैं ना, तो ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। गणेश जी को हमने पुष्प अर्पित किया। अब तीसरा जो उपचार होता है, हम लोग धूप अर्पित करते हैं। धूप हमने जला रखा था ना पहले से ही, तो भगवान गणेश जी को हम लोग धूप दिखा देंगे। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। ये तीसरा उपचार हुआ। चौथा उपचार, हम लोग दीप दिखाते हैं भगवान गणेश जी को। तो ऐसे ही देखिए, हम लोग दीप दर्शन करा दें भगवान को। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। अब जो आखिरी उपचार होता है, वो भगवान को हम लोग भोग अर्पित करते हैं। तो देखिए, भगवान को हम लोग जो हमारे पास ऋतु फल हो, अथवा तो हमारे पास जो भी हमने घर में पकवान बनाया हो, घर में पकवान बनाएंगे ही हम लोग, करवा चौथ है ना, तो आप लोग पहले से बनवा लेना। पूजन आपको शाम को करना होता है, तो आप लोग ये पूजन के पहले ही पकवान बना लेना, ताकि हम लोग भगवान को भोग लगा सकें। अब देखिए, मेरे पास यहाँ पर फल है, तो मैं वह फल भगवान को अर्पित करूँगा। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। अब ये पंचोपचार पूजन हो गया, पांच चीज़ों से भगवान का पूजन करना। सबसे पहले हमने गणेश जी का पूजन किया, अब हम लोग शिव जी का पूजन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शिव जी को चंदन से तिलक करें, जैसे हमने गणेश जी को किया था, वैसे ही अब हम लोग शिव जी को तिलक करेंगे। मंत्र क्या रहेगा? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब हमने चंदन का तिलक कर दिया। अब देखिए, पुष्प पर लगाकर हम लोग भगवान को हल्दी चढ़ाएंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, मंत्र यही रखें। कई लोग भगवान को कुमकुम चढ़ाते हैं, कई लोग नहीं चढ़ाते हैं, सिंदूर भी चढ़ाते हैं, कई लोग नहीं चढ़ाते हैं, अब ये आप देख लेना। बाकी अभी हम लोगों ने भगवान के चरणों में केवल हल्दी चढ़ाई है। अब हम लोग दूसरा उपचार करेंगे भगवान का। भगवान को पुष्प अर्पित करना है, तो जो भी आपके पास पुष्प हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, इस प्रकार से भगवान को हमने दूसरा उपचार चढ़ाया। तीसरा उपचार है धूप दिखाना, तो भगवान शिव जी को हम लोग धूप दिखा देंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। चौथा उपचार है दीप दिखाना, तो भगवान शिव जी को हम लोग दीप दर्शन करा देंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब जो आखिरी उपचार है, भगवान को भोग लगाना, तो भगवान के लिए भी अलग थाली आप लोग निकाल लेना। भगवान के लिए भोग लगाने के लिए जो भी पकवान बना हो, मेरे पास अभी यहाँ पर फल है आपको दिखाने के लिए, तो मैं यहाँ पर ये ऋतु फल भगवान को अर्पित करता हूँ भोग के रूप में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।
ये पंचोपचार पूजन शिव जी का संपन्न हुआ। ऐसे ही अब हम लोग माँ का पूजन करेंगे। माता पार्वती जी को चंदन का तिलक लगाएंगे। चंदन का तिलक माँ को लगाएं, अथवा तो आप लोग कुमकुम भी डायरेक्ट लगा सकते हैं माँ को। माँ को फिर चरणों में कुमकुम अर्पित करें, हल्दी अर्पित करें। अब माँ को अर्पित करते हुए आप लोग यहाँ पर भी नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। फिर अब हम लोग हल्दी अर्पित करेंगे। अब उसके बाद हम लोग पुष्प अर्पित करेंगे, पुष्पांजलि। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पुष्पांजलि अर्पित किया हमने माँ को। फिर तीसरा उपचार है धूप दिखाना। हम लोग माँ को धूप दिखा देंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। फिर उसके बाद दीप दिखाना चाहिए। चौथा उपचार दीप का होता है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब उसके बाद जो आखिरी उपचार है, माँ को भोग लगाना है। जो भी घर में पुआ पकवान जो भी बना हुआ है, माताओं बहनों ने जो भी बनाया हो, आप लोग लाके माँ पार्वती के आगे ये आप लोग प्रसाद अर्पित कर देना। मंत्र कोई नहीं आता हो तो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस प्रकार से अब शास्त्र कहते हैं कि आज के दिन कार्तिक स्वामी का भी पूजन होता है। अब देखिए घड़ा, ये जो करवा है ना सामने है, तो मैं इसे हटा रहा हूँ आपको केवल दिखाने के लिए। आप एक बार रख देना तो हटाना मत। आप लोग कैमरे में अभी आए ना, इसलिए मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ। यहाँ पर कार्तिक जी का फोटो है। तो हम लोग पंचोपचार से पूजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग भगवान को तिलक करेंगे चंदन से। मंत्र वामन पुराण में दिया है कार्तिक जी को, कार्तिक जी के पूजन करने का। षडमुखाय नमः, ओम षडमुखाय नमः, ऐसे करते हुए आप चंदन का तिलक कर दें भगवान को। उसके बाद आप पुष्प में कुमकुम लेकर भगवान को अर्पित कर दें। ओम षडमुखाय नमः, ओम षडमुखाय नमः, ओम षडमुखाय नमः। अब हल्दी अर्पित कर दें भगवान के चरणों में। ओम षडमुखाय नमः, ओम षडमुखाय नमः, ओम षडमुखाय नमः। फिर उसके बाद दूसरा उपचार आता है पुष्पांजलि का। तो कार्तिक स्वामी को हम लोग पुष्पांजलि अर्पित कर दें। ओम षडमुखाय नमः, ओम षडमुखाय नमः, ओम षडमुखाय नमः। पुष्पांजलि के बाद धूप दिखाना चाहिए। तो हम लोग भगवान को धूप दिखा देंगे। ओम षडमुखाय नमः, ओम षडमुखाय नमः, ओम षडमुखाय नमः। उसके बाद हमको दीप दर्शन कराना है भगवान को। ये चौथा उपचार है। पंचोपचार यानी पांच प्रकार का उपचार, पांच प्रकार के चीज़ों से पूजन। तो ओम षडमुखाय नमः, ओम षडमुखाय नमः, ओम षडमुखाय नमः। उसके बाद आखिरी में भगवान को हम लोग प्रसादी चढ़ा देंगे, भोग लगाएंगे। तो देखिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको, जो घर में आपके बना है वो लगाइएगा। मैं केवल दिखाने के लिए यहाँ पर जो मेरे पास है मैं चढ़ा रहा हूँ। आप भोग प्रसादी चढ़ाते हुए वही मंत्र ओम षडमुखाय नमः, ओम षडमुखाय नमः, ओम षडमुखाय नमः। ये मैंने भगवान का, कार्तिक भगवान का पूजन कर लिया। अब यहाँ पर देखिए करवा माता हैं। तो करवा माता माता पार्वती जी का ही स्वरूप है, माता पार्वती जी का ही स्वरूप है। मैंने इसलिए रखा है यहाँ पे कि कई माताओं के पास ये शंकर भगवान के परिवार वाला फोटो नहीं होगा, यही फोटो होगा। तो इसके अंदर भी देखिए गणेश जी विद्यमान हैं। उसके बाद यहाँ पर करवा माता का भी फोटो है, यानी पार्वती जी का फोटो है। लेकिन जो शास्त्र कहते हैं कि आपको शिव जी का भी पूजन करना है और कार्तिक स्वामी का भी पूजन करना है। तो यदि कार्तिक स्वामी आपके पास नहीं हो, ऐसे फोटो नहीं मिले, तो आप लोग एक सुपारी लेना, सुपारी को आसन देना ऐसे। देखिए मैं दिया हटा रहा हूँ यहाँ से। सुपारी को ना आसन देना ऐसे, इसके ऊपर सुपारी रखना। सुपारी रख के कार्तिक स्वामी की भावना करके आप पूजन कर लेना। देखिए ये मैंने रखा है ना, ये आसन दिया चावल का, ये सुपारी रखा, कार्तिक भगवान की भावना करके पूजन कर लेना। बाकी शिव जी के पूजन के लिए शिवलिंग होगा आपके पास घर में छोटा सा, अथवा तो आप लोग तस्वीर ले आना शिव जी का, शिव परिवार का, तो कोई बात नहीं। माता करवा माता का फोटो भी आप लोग रहने देना, इनके ऊपर भी हम लोग तिलक पूजन कर लेंगे। अभी माँ को हम लोग कुमकुम से अथवा तो चंदन से तिलक कर देंगे।
नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। माता पार्वती जी का ही रूप है। फिर उसके बाद हम लोग माँ के चरणों में कुमकुम और हल्दी अर्पित कर देंगे। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, हल्दी अर्पित कर देंगे। उसके बाद दूसरा उपचार है पुष्प चढ़ाना, तो माँ को हम लोग पुष्पांजलि अर्पित कर देंगे। मंत्र आप पढ़ लेना, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। फिर उसके बाद तीसरा उपचार आता है धूप दिखाना, तो माँ को हम लोग धूप दिखा देंगे। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। फिर उसके बाद दीप दर्शन कराया जाता है, माँ को हम लोग दीप दर्शन कराएंगे। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। फिर उसके बाद जो भी आपके पास खाद्य सामग्री हो, जो भी हमने घर में बनाया हो पुआ पकवान, वो हम लोग माँ को अर्पित कर देंगे। मैं फिर से आपको बता दूं कि यदि आप करवा माता का ऐसा श्री चित्र रखते हैं तो आप ऊपर चुनरी जरूर लगा देना। इतना समझ गए आप लोग। और उसके बाद जो भी आपका पकवान बना हो यहाँ पर आपको भोग रूप में पहले चढ़ाना है। बस इतना सा ही हमने पूजन अभी कर लिया। मेरे पास पुष्प भी कम है, मैं रात को शूट कर रहा हूँ। आप अच्छे से सजाना पुष्प आदि से, फिर आप पूजन करना। ये पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के समय, ये जब शिव जी का पूजन किया जाता है सूर्यास्त के समय, उसी समय ये पूजन भी संपन्न करना चाहिए। अब देखिए ये जो हमने करवे रखे हैं ना, 10 करवे रखे हैं, इनका भी हम लोग दीप प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए, ये जो करवा है हमने माता पार्वती का मान के रखा हुआ है और ये करवा हमने अपना मान के रखा है। माताएं बहनें जानती होंगी इस बात को। इसके अंदर मैंने बताया था कि आपको पकवान भर के रखना है, इसके अंदर भी सेम चीज़ रखनी है। यहाँ पर आपको दक्षिणा रखना है प्रत्येक करवे के ऊपर। यहाँ भी जो मैंने 10 करवा रखा है ना, इसके ऊपर भी आप लोग दक्षिणा रखिएगा। अंदर अनाज रहेगा, ऊपर दक्षिणा और ये पूर्ण पात्र, या दक्षिणा आप लोग अंदर भी डाल के रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इन करवों की बात हम लोग करते हैं। ये करवे जो हैं इनको फेरा जाता है, यानी माता पार्वती का करवा हमारे पास आ जाए और हमारा करवा माता पार्वती जी के पास चला जाए, ठीक है ना। क्यों ये किया जाता है? क्योंकि जैसे माँ आपका अटल सुहाग है, ऐसे ही हमारा भी अटल सुहाग हो जाए, इसलिए हम आपका करवा लेते हैं प्रसादी रूप में। ये भाव है करवा फेरने का। इतना समझ में आ गया होगा ना। हाँ, अब देखिए कई जगहों पर ना पानी रखा जाता है, 2 करवे ही रखे जाते हैं, तो पानी वाला करवा आप इसमें रखना माँ के आगे, ठीक है। और इस करवे के अंदर आप पकवान रखना ताकि आप इसे फेर सको। आप इसे फेरेंगे ना तो पकवान वाला माँ के पास चला जाएगा और ये पानी वाला जो है यहाँ पर आ जाएगा। इससे आप लोग अर्घ देना और ये जो पकवान वाला करवा आएगा ना माँ के पास, वो आपको सास को देना है अथवा तो ननद को देना है जो सुहागिन हो। अब मान लीजिए आपकी केवल सास हैं, ससुर नहीं हैं, तो आप उन सास, तो आप ये करवा आप उनको नहीं दे सकते हैं। हाँ, लेकिन उनका सम्मान जरूर करना है। पूजन करने के बाद आप उनको भले ही साड़ी दे देना अथवा तो कुछ भी दान दक्षिणा देना, उनके चरण स्पर्श कर लेना, लेकिन ये जो करवा है ना आप किसी सुहागन स्त्री को ही देना। कोई भी हो आपके ससुराल पक्ष में आसपास, उनको ही दिया जाता है। ननद को भी दे सकते हैं, सुहागन स्त्री को देना है, आप लोग देख लेना। अब हम लोग देखते हैं कि करवा कैसे फेरा जाता है, लेकिन उसके पहले इन करवों का दीप प्रज्वलन भी हम लोग कर लेंगे। ये सुहाग की सामग्री भी अभी बची हुई है, करवा फेरने से पहले हम लोग इसे माँ को अर्पित करेंगे। उसके बाद में बताऊंगा क्या करना है। अभी हम लोग दीप प्रज्वलन करते हैं। ये देखिए हमने सभी करवों पर दीपक जला लिया है। आप लोग भी इस प्रकार 10 करवों पर दीपक जला लेना। उसके बाद हमें ये करवे फेरने हैं जो हमारा करवा है। एक चीज़ और है, इसके अंदर ना सीख डाली जाती है, ये शहरों में नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने दिखाया नहीं यहाँ पर। बाकी सीख है हमारे पास, सीख हमने दिखाया नहीं ताकि आप लोग ये नहीं सोचें कि सीख यहाँ पर डली हुई है, हम लोग सीख कहाँ से ले आएंगे। यदि आपको मिल जाए तो आप लोग लगा लेना इसके अंदर। अब हम लोग देखते हैं कि करवा कैसे फेरा जाता है। करवा फेरने से पहले आप माँ को ना सुहाग की वस्तुएँ अर्पित करना। हमने पंचोपचार से पूजन तो कर लिया,
बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुहाग की वस्तु देने के बाद ही आपको करवा फेरना है। तो सुहाग की वस्तु में हमारे पास जो भी है, अभी दिखाने के लिए मैंने जो रखा हुआ है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा चढ़ा के। आप इसके अंदर साड़ी रखिएगा और भी अच्छी अच्छी चीज़ें रखिएगा, श्रृंगार की चीज़ें। और आप पूजन करने बैठे ना तो स्वयं भी आपको 16 श्रृंगार करके पूजन करने के लिए बैठना है, इस बात का आप लोग जरूर ध्यान देना। करवा फेरने से पहले हम माँ को सुहाग की चीज़ें अर्पित कर देंगे, माँ को स्पर्श करा लें। उसके बाद ये अभी यहाँ पर जगह नहीं है ना तो मैं एक किनारे रख दूंगा। अब इसके बाद हमको करवा फेरना है। करवा कितने बार फेरना है तो शास्त्र बताते हैं कि आप एक बार में भी फेर सकते हैं अथवा तो 7 बार में फेरा जाता है करवा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 7 बार करके देखेंगे। करवा फेरते समय ये दोनों करवे लड़ने नहीं चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। करवा आपको एक बार फेरना है तो आपने ऐसे उठाया और ऐसे रख दिया, बस एक बार हो गया। फिर से यदि आपको 7 बार फेरना है ना तो ये एक बार हो गया, ये 2 बार हो गया, ये 3 बार हो गया, ऐसे आपको हाथ क्रॉस करना है, ये 4 बार हो गया, ये 5 बार हो गया, ये 6 बार और ये 7वीं बार। अब देखिए माँ का जो करवा था ना वो हमारे पास आ चुका है और हमारा वाला करवा माँ के पास आ चुका है। इन दोनों के अंदर हमने पूरी पकवान भर के रखा था। तो ये वाला करवा जो है ये हम ले जाएंगे और इससे जब हम लोग चंद्र देवता को अर्घ दे लें, पति देवता को हम लोग प्रणाम कर लें, उनका भी हम लोग पूजन कर लें, तो उसके बाद जब हम लोग जल पीते हैं ना पतिदेव के हाथ से, उसके बाद जो पहला अन्न आप खाएंगे वो इस करवे से आप लोग खाएंगे। और ये वाला जो करवा है, आपने जो बयाना निकाला हुआ, जो माता पार्वती जी को हमने जो श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित की हैं उन वस्तुओं के साथ, ये आपको अपनी सास को, ननद को, जो सधवा हो, जिनके पति हों विद्यमान, उन्हें आपको अर्पित करना है। अथवा तो ये यदि आपके घर में नहीं है तो आप किसी और को भी दान कर सकती हैं, ब्राह्मणी को भी दान कर सकती हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया ना ये करवे का क्या करना है। अब ये जो करवा बचा, ये करवे को हम लोग लेकर जाएंगे चंद्रमा को अर्घ देने के लिए, ये जो पानी वाला करवा है। और जो 10 हमने करवे बनाए थे ना, वो 10 के 10 करवे दीपक जब बुझ जाए तो वो आप करवे उठाकर ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, अथवा तो ज़रूरतमंद को जिसको अन्न की आवश्यकता हो। वैसे तो शास्त्रों में ब्राह्मण का ही लिखा गया है, ब्राह्मण नहीं मिले तो किसी मंदिर आदि में भी हम लोग दान कर सकते हैं। तो ये थी करवा चौथ की पूजा, जो मैंने शास्त्रोक्त विधि से आपको बताने का प्रयास किया है। कि मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आप लोग मुझे मत मानिए, मुझे कितना दिन हुआ, मेरी उम्र ही क्या है, लेकिन आप लोग शास्त्र को मानिए, शास्त्र प्राचीन है, जैसा शास्त्र में बताया है वैसे ही मैंने भी आप लोगों को बताया है। आखिरी में शायद आप लोगों का प्रश्न हो कि करवा चौथ का व्रत कौन रख सकता है और कब से रखना चाहिए। तो करवा चौथ का व्रत यदि आप उठाना चाहते हैं तो इसी वर्ष से माताएं बहनें उठा सकती हैं, क्योंकि इस साल कोई मलमास नहीं है, इस वर्ष से आप करवा चौथ का व्रत उठा सकती हैं। और दूसरी बात यह है कि करवा चौथ विवाह के कितने साल बाद शुरू करना चाहिए, तो यदि आपका विवाह इसी वर्ष हुआ है तो आप इसी वर्ष से करवा चौथ का व्रत उठा सकती हैं। ये करवा चौथ की व्रत की महिमा नारद पुराण में और वामन पुराण में वर्णन है, इसको हमारे शास्त्रों में कर्क चतुर्थी कहा है। कुछ भी पूछना हो तो आप लोग पूछिएगा, क्योंकि दोबारा मिलना होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हरे कृष्ण।